हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। सो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में हमने ऐसे कवर कर लिया है लेटर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ वी हैव कवर्ड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नोटिस राइटिंग। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप कैसे अच्छा नोटिस लिख सकते हैं, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो दिस इज द नोटिस राइटिंग। पहले हम मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। तो देखते हैं, योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा नोटिस राइटिंग है। ठीक है, तो हमें नोटिस कैसे लिखना है। पहला है, आप अपने स्कूल में दिए गए नोटिस आपने देखा होगा, या फिर बाहर नोटिस बोर्ड टंगा होगा उसमें देखा होगा, या फिर आपके सर्कुलर्स में भी नोटिस दिए जाते हैं, आपके फोन में भी नोटिस आते हैं। तो आपको मोर ऑर लेस आई थिंक यू आर नोन टू द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। पहले हमें लिखना है एक कैची हेडिंग। ठीक है, नोटिस का मेन फॉर्मेट है कैची। यू हैव टू राइट अ कैची हेडिंग। इफ यू राइट अ कैचिंग हेडिंग तो आपको क्या, इससे बहुत आसानी से मार्क्स मिलेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो उसका एकदम फोकस कैची हेडिंग पर ही वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन है, देन यू हैव टू रिलेट। ठीक है, जो आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं उसमें आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, देन बिकॉज यू हैव टू यूटिलाइज इट। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है वॉर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो डिबेट में जैसे हमें पता है कि लड़ाई होती है, इट्स अ वॉर। ओके, सो इट्स अ लॉजिकल वॉर। सो इट्स अ वॉर ऑफ वर्ड्स विच इज कॉल्ड द डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये है आपका एक कैची हेडिंग, अ टाइप ऑफ अ कैची हेडिंग। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। अब नोटिस बहुत सारे कारण के तरह लिखे जाते हैं, या फिर कोई यू हैव टू गिव द नोटिस फॉर योर फॉर फंक्शन और इवेंट। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने पड़ती है, या फिर योर स्कूल इज गोइंग टू अ टूर और अ ट्रैक। ठीक है, उसमें आपको करना पड़ता है, या फिर यू हैव लॉस्ट अ थिंग और समवन हैज लॉस्ट अ थिंग, देन यू हैव टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट इट। ठीक है, कैसा था, कलर कैसा था, स्पेसिफिकेशंस जो भी सारे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नोटिस कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इट्स इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विच यू हैव टू राइट। नेक्स्ट यू हैव टू राइट द डेट। ठीक है, डेट भी इम्पॉर्टेंट है। देन यू हैव टू डू द टाइम, यू हैव टू राइट द टाइम एंड देन द वेन्यू। ठीक है, वेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि हो कहाँ रहा है। और लास्ट में एक कंक्लूजन स्टेटमेंट विच इज ऑल पीपल्स फ्रॉम क्लास 11, पीपल्स मतलब स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 एंड 10 हु विश टू पार्टिसिपेट आर टू गिव देयर नेम्स टू द रिस्पेक्टिव टीचर ऑन अ फॉर्म बिफोर this, you have to write this so that the students are aware of it, the people are aware of it. ठीक है, ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है 1 मार्क्स का, जो आपका कैची हेडिंग है वो आपका होगा 1 मार्क का। देन फॉर द इवेंट, वॉट इज द इवेंट, दैट विल बी ऑल्सो 1 मार्क। देन द डेट के लिए आपको हाफ मार्क्स दिए जाएंगे, टाइम के लिए आपको हाफ मार्क्स दिया जाएगा, एंड द वेन्यू दैट ऑल्सो इट्स हाफ हाफ। For and where is going to held at hall or auditorium or wherever, and the location if it is a school or if it is a ground. ठीक है, तो ये सारी चीज, and then last में जो concluding statement होगा उसका भी आपको 1 मार्क दिया जाएगा। तो ये था नोटिस का फॉर्मेट। ठीक है, तो मैंने आपको बता भी दिया कि कौन कौन से नोटिसेस, कैसे नोटिसेस, जैसे फंक्शन और इवेंट, ऐसे जैसे ये है तो ये हो गया फंक्शन और इवेंट। आई मीन इसमें आपको क्या क्या कंक्लूड करना है, एक तो कैची हेडिंग तो वो सब में रहेगा, देन व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इट इज, डेट, टाइम, वेन्यू एंड अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अगर इफ इट इज अ ट्रिप और अ ट्रैक, देन यू हैव टू गिव द डेट एंड टाइमिंग्स, कब जाना है, कहाँ जाना है, कौन कौन जा सकते हैं, नाम किसे देना है, तो ये सारी चीजें आपको देना पड़ेगा। एंड इफ समथिंग इज लॉस्ट, देन व्हाट टू डू, अ कैची हेडिंग ऑल्सो, समथिंग इज लॉस्ट, ऐसे ना कुछ भी एक एपोस्ट्रोफी देकर भी आप दे सकते हैं। देन यू कैन राइट द स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, कैसा कलर था, कब खोया, कहाँ खोया, कितने, इफ यू आर एबल टू गिव द टाइम ऑल्सो, देन इट इज ऑल्सो वेरी नाइस।
ठीक है, तो ये सारे चीजें अगर मिल जाती है तो किसे कॉन्टैक्ट करना है, ये चीज ठीक है। तो ये सारे नोटिस के फॉर्मेट होते हैं। आई होप आपको नोटिस राइटिंग समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ईजी है, 5 मार्क्स का टोटल नोटिस रहता है एंड इट इज वेरी स्कोरिंग, ठीक है। तो मुझे हमेशा से 5 out of 5 मिला है, आई होप आप सबको भी मिले, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मेट से आप लिखते हैं तो आपको आई एम श्योर 5 out of 5 मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में एक चीज जरूर कीजिएगा, आप नोटिस को एक बॉक्स के अंदर कंक्लूड कर दीजिएगा जिससे कि आपको सुविधा होगी। मैंने हमेशा अपने नोटिस को बॉक्स में एक स्ट्रेट बॉक्स, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है, एक स्ट्रेट बॉक्स में आपको पूरा नोटिस लिखना है। पहले आप ऐसे नोटिस लिख ले, देन ऑन द 4 sides यू ड्रॉ लाइन, ठीक है। तो इससे कि आपका नोटिस बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में, प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे आंसर शीट में, ठीक है। तो ये था हमारा नोटिस राइटिंग, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। इन द नेक्स्ट सेशन विल टॉक अबाउट द ईमेल राइटिंग, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। एंड अगर आज के सेशन में आपको कोई भी डाउट्स हुआ तो आप जरूर मुझे बताइएगा, या फिर कोई भी कुछ भी रिलेटेड आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए मेरे से तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल हियर, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी बाय माई ईमेल आईडी विच विल बी प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन। दिस इज यतिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।